में 25 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव संपन्न हो गया और इस बार कांग्रेस की तरफ से प्रदेश में राष्ट्रीय नेताओं की बजाय प्रदेश के नेताओं ने ही प्रचार की कमान संभाली। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरे करके सबसे ज्यादा चुनावी सभाएं और रोड शो किए। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी गहलोत के नजदीक ही थे, लेकिन दूसरे नंबर पर रहे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी कुछ कांग्रेसी प्रत्याशियों के लिए ही प्रचार किया। इधर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने सबसे कम दौरे किए। देखिए प्रदेश के प्रमुख कांग्रेसी नेताओं के चुनावी प्रचार के लेखे जोखे पर फर्स्ट इंडिया के एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा की यह रिपोर्ट। राजस्थान में पिछले दो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने खाता भी नहीं खोला था, लेकिन इस बार पार्टी ने खाता खोलने के लिए अलग रणनीति के तहत ताकत झोंकी। इस बार राष्ट्रीय नेताओं की बजाय प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं ने ही प्रचार की कमान संभाले रखी। राहुल गांधी तो महज एक दिन ही राजस्थान में प्रचार करने आए थे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी सिर्फ एक बार जयपुर आ सकी। प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरों की संख्या राहुल से ज्यादा रही। प्रदेश के नेताओं की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रचार की कमान संभाली। गहलोत कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी थे, ऐसे में उन्होंने प्रदेश में सबसे ज्यादा चुनावी सभाएं और रोड शो किए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दूसरे, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट तीसरे और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा चौथे नंबर पर रहे। अशोक गहलोत ने प्रदेश की 25 में से 22 लोकसभा सीटों पर 53 दौरे किए। गहलोत ने 26 मार्च को सीकर से प्रचार अभियान की शुरुआत की थी, जब वे गठबंधन के उम्मीदवार अमरा राम के नामांकन रैली में शामिल हुए। गहलोत की आखिरी चुनावी सभा अपने गृह जिले जोधपुर में रही। आइए सबसे पहले अशोक गहलोत के कैंपेन का अकाउंट जान लेते हैं। गहलोत ने प्रदेश में 53 सभाएं और रोड शो किए। 22 लोकसभा सीटों पर प्रचार किया अशोक गहलोत ने। सबसे ज्यादा सभाएं और रोड शो जालौर सिरोही सीट पर किए। अपने पुत्र वैभव गहलोत के लिए 21 सभाएं और रोड शो किए। जोधपुर की सीट पर 6 सभाएं की। जयपुर शहर और बाड़मेर में 3-3 सभाएं की। सीकर, बीकानेर, उदयपुर, पाली में 2-2 बार प्रचार किया। कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जयपुर ग्रामीण सीट पर नहीं गए गहलोत। चुनाव प्रचार में अपने फटकारे और तेजल सुपर डुपर डांस के लिए प्रसिद्ध रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी प्रदेश में जमकर प्रचार किया। उनकी कई सभाएं अशोक गहलोत के साथ भी रही। डोटासरा ने 20 लोकसभा सीटों पर 45 सभाएं और रोड शो किए। अपने फटकारे और तेजल सुपर डुपर डांस के लिए चर्चा में रहे। 20 लोकसभा सीटों पर 45 सभाएं और रोड शो किए। सीकर में सबसे ज्यादा 14 सभाएं और रोड शो किए। टोंक सवाई माधोपुर में 4 और जोधपुर में 3 बार प्रचार किया। बीकानेर, चूरू, जालौर, बाड़मेर, चित्तौड़ और श्रीगंगानगर में 2-2 बार प्रचार किया। कोटा लोकसभा सीट पर भी 2 बार चुनावी सभा और रोड शो किए। उदयपुर, नागौर, भरतपुर, राजसमंद और जयपुर सीट पर नहीं किया प्रचार। अब बात करते हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत की तरह अन्य राज्यों में भी प्रचार किया, लेकिन राजस्थान में उनकी चुनावी सभाएं गहलोत और डोटासरा से कम थी। सचिन ने 25 में से 14 लोकसभा सीटों पर ही प्रचार किया। उन्होंने सबसे ज्यादा चुनावी सभाएं टोंक सवाई माधोपुर, दौसा और जयपुर ग्रामीण सीट पर की। पायलट ने कुल मिलाकर 28 सभाएं और रोड शो ही किए। सबसे ज्यादा चुनावी सभाएं टोंक सवाई माधोपुर, दौसा और जयपुर ग्रामीण सीट पर की। टोंक पर हरीश मीणा के लिए 6, दौसा में मुरारी मीणा के लिए 5 सभाएं की। जयपुर ग्रामीण में अनिल चोपड़ा के लिए 4 सभाएं की पायलट ने। ये तीनों ही टिकट सचिन पायलट की मानी जाती हैं। चूरू और नागौर सीट पर पायलट के चुनावी कार्यक्रम नहीं हुए। वैभव गहलोत के लिए भी प्रचार करने नहीं जा सके पायलट। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा लोकसभा चुनाव में ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आए। आंकड़ों के अनुसार तो उन्होंने प्रदेश में 15 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, लेकिन अधिकांश कार्यक्रम सोनिया, राहुल और प्रियंका के साथ ही रहे। कुछ जगह वे गहलोत और डोटासरा के साथ प्रचार करने गए। रंधावा कई बार जयपुर आए, लेकिन जयपुर के कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह के लिए सभा करने का समय नहीं निकाल सके।
उन्होंने 25 में से सिर्फ 13 सीटों का दौरा किया। अगर इन नेताओं के पूरे लेखे जोखे को देखें तो हम पाते हैं कि कुछ खास सीटों पर तीनों ही नेताओं का विशेष फोकस रहा है, चाहे वो जालौर सीट हो, चाहे सीकर की सीट हो, या फिर दौसा व टोंक की सीट हो। अब जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो ये भी देखा जाएगा कि जहां पर इन नेताओं का फोकस रहा है वहां का परिणाम कैसा रहता है, जहां पर इन नेताओं ने ज़्यादा प्रचार किया है वहां पर क्या जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। इस तरह की रिपोर्ट भी कांग्रेस तैयार करेगी। लेकिन जिस तरह से इस बार प्रदेश कांग्रेस की रणनीति रही कि राष्ट्रीय नेताओं की बजाय स्थानीय नेताओं को ही तवज्जो दी जाए और यहाँ के नेता ही चुनाव की प्रचार की पूरी कमान संभाले, इसमें कांग्रेस सफल नजर आई। लेकिन सफल असली में तब कही जाएगी जब चुनाव परिणाम उनके पक्ष में भी आए। अब 4 जून को जब राजस्थान में चुनाव परिणाम सामने आएंगे तभी पता लग पाएगा कि नेताओं के ये दौरे पार्टी के लिए और प्रत्याशियों के लिए कितने फायदेमंद साबित हुए। कैमरामैन यश माथुर के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए 6